आइए मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ, हमारे उस स्टूडेंट का कॉपी जिसमें नवंबर 19 के एग्ज़ाम में उनका 85 मार्क्स आया। तो आपने नवंबर 19 का इतना सारा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया ही था, तो अब आप अगर ये कॉपी को देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्योर लिमिटेड वाला नॉट फॉर प्रॉफिट को लेकर वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, अब एक ग्लांस देना बस, पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कि बच्चे ने बस नॉर्मल लिखा है, बहुत हाई फाई भी नहीं लिखा है, बट फिर भी 85 मार्क्स आया है। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे भी कोई काम नहीं किया है, इंस्टीट्यूट खोज खोज के मार्क्स दिया है, बट कुछ खूबी है बेसिक, जैसे एक इंट्रो देना, ये खूबी है। फिर बेनिफिट्स कैन नॉट बी मेजर्ड, बेनिफिट्स में अक्रू ओवर अ लॉन्ग टाइम, मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू फंड्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, और फिर एक इंट्रो कंक्लूजन है। ये खूबी के कारण एक मार्क्स मिलता है, हालांकि मार्किंग पैटर्न कंक्लूजन पे नहीं है, बट एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, पॉइंट्स पे ही मार्क्स दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन 1 में 4 आउट ऑफ 4 मिला। नेक्स्ट, इसका पार्ट बी 12 मार्क का था, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, इकोनॉमी क्या है, वो कैसे मेजर होगा, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी क्या है, वो कैसे मेजर होगा। आप नजर डालते जाओ सिर्फ, ओके। फिर डॉक्टर का कमेंट, ये बहुत अच्छा खूबी था इस आंसर पेपर का, ये मैंने किसी के पेपर में नहीं देखा, ओके। इफेक्टिवनेस क्या है, कैसे मेजर होगा, डॉक्टर का कमेंट, ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट इन्होंने डाला वो आंसर को एलिवेट कर दिया मेरे नज़र में। हालांकि वो एक क्वालिटी बनाया आंसर का, बट उस डॉक्टर कमेंट के ऊपर मार्कर ने कोई मार्क नहीं दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे बताया, ठीक है, जिसका एक मार्क था इस बार, तो आउट ऑफ 12 इसमें 10 मिला। फिर एक और पार्ट था उसमें, वो सीईओ बोल रहा था कि अगर हम सब्सिडी हटा दे और फ्री सर्विस हटा दे तो उसका आंसर वो उतना अच्छे से लिख नहीं पाए, उनको लगा कि हाँ ये सर सही है, मैं चार्ज लिख दिया था इन्होंने, इसलिए इसमें 1 नंबर मिला। मतलब फिर भी 1 मार्क्स मिला जो सिमिलर पॉइंट्स था, उल्टा लिखने से भी मार्क्स है, लिखने से मार्क्स है। क्वेश्चन 3 फिर एक ट्रांसफर प्राइजिंग GIT और बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉम्बो क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, छोटा छोटा मार्क वाला, इसमें इन्होंने फुल मार्क्स दबाए हैं। इसका मैं उतना कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, बट आप जनरल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई सुंदर वुंदर काम नहीं है, फटाफट किया हुआ, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही इसने भी एग्ज़ाम दिया है, कोई बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट डाला हुआ पेपर में नहीं दिखा है, ओके। आप देखिए इसमें 12 में 12, और वो बैलेंस स्कोर कार्ड का लिखना था तो उसमें 8 में से 6 मिला, तो कुछ नहीं जचा होगा अपने एग्जामिनर को, ओके। तो उधर कुछ नंबर काट लिया, जैसे यहाँ पे ये वाला, और कुछ गड़बड़ लगा होगा उसको, तो उतना उस सेटिस्फेक्शन नहीं था इसलिए मार्क्स नहीं दिया। तो इधर कुछ ऐसे नंबर कट गए, बट फिर भी 8 में 6 मिला। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने किया, वो ट्रिपल बॉटम लाइन का एक क्वेश्चन था, खाली मार्क करना था पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, तो इन्होंने बड़े अजीब तरीके से मार्किंग किया कि पीपल पहले लिख के सारा पीपल, फिर प्लैनेट सारा लिख के, फिर प्रॉफिट सारा लिख के बताया, तो भी इंस्टीट्यूट ने खोज खाज के मार्क्स दे दिया, ठीक है। फिर रीज़न बिहाइंड ड्रॉपिंग ऑफ प्रॉफिटेबल क्लाइंट में एक रीज़न था कि बुलिंग ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मिस ट्रीटमेंट, बुलिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, वो एक रीज़न मैच हुआ तो उसका मार्क्स मिला। और एक रीज़न और लिखना था कि लॉन्ग टर्म व्यू नॉन फाइनेंशियल वाला वो नहीं लिखा था, इसलिए ये वाला चीज़ को लेके कोई मार्क्स नहीं मिला। क्वालिटेटिव में क्वालिटी, टाइमलीनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को लेकर 3 पॉइंट बताया, तीनों का मार्क्स मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका देखिए 5 में से 4 मिला इनको। और एक क्वेश्चन था उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर, ये काटाकुटी करके भी काटाकुटी किया हुआ है बच्चे का, जैसे मॉल में हो जाता है, बट पेशेंस रखो और पेन चलाते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक भी जगह स्केल लेके कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है, बट फिर भी मार्क्स आप देखिए, ठीक है।
तो ये प्रॉफिट वगैरह सही है पूरी। सेकंड पार्ट में भी सारा वर्किंग सही है। थर्ड पार्ट में भी वो मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस इन्होंने एकदम सही निकाला हुआ है, 40,000 यूनिट के लिए, 2 लाख यूनिट के लिए, जैसा आपको बताया था मैंने रेंज उन्होंने बताया, तो इसमें इसको मार्क्स मिला हुआ है पूरा। ओके, और वो डुअल टैरिफ और वो बताया, बट उसका कोई ज़रूरत नहीं था। यानी वे 10 में से 7 इनको मिल गया इसमें। मैं बताया था ना आपको, इसमें जनरली हम लोग ये लिखते हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए, बट सिंस ये ऐसा कुछ आपका सजेस्टेड आंसर में मेंशन नहीं था ना, तो एग्जामिनर्स तो आप जानते हैं मिलाएंगे, तो मैच नहीं हो रहा था तो उधर काट कूट दिया। ओके, तो थोड़ा सा वो एनालिसिस में यहाँ पे और लिखे होते तो शायद और अच्छा मार्क्स मिल जाता, बट एनीवेज 10 में 7 इधर मिला, सब सही था। फिर JIT वाला क्वेश्चन था, एक TPM और JIT वाला, जिसमें वो ये निकालना था, तो पूरा 6 में 6, और उसको लेके कमेंट करना था कि 85% से कम है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो और क्या क्या करो, 2-3 सुझाव दे दिया। और बहुत परफेक्ट नहीं है बट मैचिंग है मोटा मोटी। और ये वाला पॉइंट्स एकदम परफेक्ट लिखा हुआ था, कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM, बोथ ऑफ देम रिक्वायर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स, बोथ वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, सो बोथ हैज़ कॉमन गोल्स, बोथ रिक्वायर ट्रेनिंग, बोथ रिक्वायर सपोर्ट एंड टोटल कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, बोथ प्रोवाइड्स बेनिफिट्स इन लॉन्ग रन। कितना सुंदर आंसर लिखा हुआ, देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल आपको दिख रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका उसका सारा वो वेरिएंस वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल। इसने इन्होंने तो कुछ वर्किंग नोट भी नहीं किया, सीधा यहीं पे फॉर्मूला लिख लिख पिट के जैसे तैसे आंसर निकाला, बट सब सही है तो मार्क्स मिलता गया। एडवर्स फेवरेबल मेंशन करने क्वेश्चन चला के बोला था तो मेंशन किया हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल का इंटरप्रिटेशन बताना था, एफिशिएंसी वेरिएंस का, तो उसमें उतना पर इसका तो ठीक था, क्वालिटी का इशू को बता दिया इन्होंने, और प्रोडक्ट टेस्टिंग का ठीक से लिख नहीं पाए बोलकर यहाँ पर मार्क्स नहीं मिला। ओके, तो मेन उनको खोजना था कि रीज़न आप सही दे रहे हो कि नहीं। वैसे मैं बोला था कि आपको ये भी लिखना है, ओके, कि वेरिएंस क्या है, फेवरेबल है कि एडवर्स, बट उसका मार्क्स नहीं है, मार्क्स इन्होंने अलॉट किया है रीज़न पर, तो रीज़न सही है तो मार्क्स देना है। और वेरिएंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड का प्रेजेंटेशन अपने तरीके से देखिए, बॉक्स बना बना के टू बी रिपोर्टेड, टू बी रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड करके, जो अपना सही चीज़ है, जिसकी हैंडराइटिंग एवरेज होना, आप हमेशा याद रखो आपको शो ऑफ करना आना चाहिए कि क्या मेरा असली चीज़ है, थोड़ा ये अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा बॉक्स कर दिया, जिससे कि एग्जामिनर को दिख जाए कि क्या चीज़ इसका इंपॉर्टेंट है जो मुझे चेक करना है। तो पूरा 2 में 2 मिला। और ये आखिरी क्वेश्चन है, यदि आप देखें जो इन्होंने किया है, वो JIT का ही, JIT प्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ, पहला पार्ट में पूरा 9 में 9 वर्किंग नोट बनाया इन्वेंट्री होल्डिंग को लेकर, तो उसमें 4 मार्क्स मिला इनको। और फिर कॉस्ट गैप कैलकुलेशन के लिए पूरा स्टेटमेंट बनाया, तो 4.09 इसमें आया, एकदम सही था। JIT वाले में थोड़ा बहुत गड़ाकुटी हो गया, तो कुछ इन लोगों ने वर्किंग नोट का मार्क्स काट लिया, बट साथ में 5 दे दिया, और ये भी सही है, गलत नहीं है। इसमें मैंने बताया था ना आपको, 2 तरीके से सम हो सकता है, कि कोई 80 रुपीज़ करके कर लेता है, कोई 76, इंस्टीट्यूट ने 76 करके बताया आंसर, और फिर JIT का फ़ायदा क्या चीज़ में है वो आपको बताया हुआ है, 4 में से 3 इधर मिला। सो ओवरऑल इसका जोड़ते हैं ना तो 85 मार्क्स आता है। सो ये आपको एक कुछ तो लेसन दिया होगा कि असली में कंटेंट मैटर करता है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक डेकोरेशन काम नहीं करता, और कंटेंट एक्यूरेट होगा तो मार्क्स ज़रूर मिलेगा, मार्क्स मिलता है। ठीक है, ओके, इसमें भी कटा है, और अगर हम हुज्जत करते इंस्टीट्यूट से तो और 1-2 मार्क हम खींच लेते, बट ठीक है, 85 इज़ मोर देन सेटिस्फेक्शन। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरा कॉस्टिंग में 85 आएगा, सच बता रहा हूँ, कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ बट कॉस्टिंग में 85 मेरे लिए एक सपना है, तो इस बच्चे ने हमारा सपना ही साकार किया, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्टूडेंट ने हमारा सपना पूरा किया, और भी आप जैसे स्टूडेंट निकलें जो इससे भी ऊँचे सपने को पूरा करें, मैं तो बस यही इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि कोई तो स्टूडेंट निकलेगा जिसका कभी कॉस्टिंग में 100 में 100 आएगा, कभी कोई तो निकले, वेट कर रहा हूँ। सुना हूँ कभी इंस्टीट्यूट ने दिया है, ओके,
तो बस वेट कर रहा हूँ कभी कोई ऐसा स्टूडेंट निकले जो कॉस्टिंग पेपर में 100 में 100 लेके आए। चलिए, ओके, दैट्स ऑल इन दिस।